हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य एजुकेशन की इसका की शॉर्टकट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम एक नया क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है डैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। क्लाउड कंप्यूटिंग के आर्किटेक्चर को बनाने के लिए हमें कितने सारे कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करना होता है, वो सारी की सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमारी स्टोरी इस प्रकार से है, एक आर्किटेक्चर था, उसको अपने क्लाइंट से मिलने जाना था। एक आर्किटेक्चर था उसको अपने क्लाइंट से, तो शब्द याद करने वाला है यहाँ पे क्लाइंट से, एक आर्किटेक्चर को अपने क्लाइंट से मिलने जाना था। उसने कुली को बोला, यानी कुली को कोई काम दिया, काम देने का मतलब है एप्लीकेशन दिया। उसने कुली को बोला कि सामान मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसने कुली को बोला सामान को प्लेटफॉर्म में लेकर चले जाओ, सामान को प्लेटफॉर्म में लेकर चले जाओ। आइए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एक आर्किटेक्चर को अपने क्लाइंट से मिलने जाना था, उसने कुली को बोला यानी एप्लीकेशन दिया, काम दिया कि सामान को इंफ्रास्ट्रक्चर को, सामान को प्लेटफॉर्म में लेकर जाइए। कुली ने क्या करा अपने सर पर का मतलब है बेटा सर्वर। उसने अपने सर पर सामान उठाया और सामान पहुंचा दिया। उसने अपने सर पर सामान उठाया और सामान को पहुंचा दिया। जब सामान पहुंच गया तो यूजर ने कंप्यूटर से इंटरफेस करने का प्रयास करा। जब सामान पहुंच गया यूजर ने कंप्यूटर से इंटरफेस करने का प्रयास करा पर मशीन ने इंटरफेस करने से मना कर दिया। यूजर ने कंप्यूटर से बातचीत करने का प्रयास करा पर मशीन ने इंटरफेस करने से बातचीत करने से मना कर दिया। इस पर उसने कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स को बाहर निकाला। इसने उस पर कंप्यूटर सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स को बाहर निकाला और उन सब की सर्विस करने के बारे में सोचा तो कुल मिलाकर देखने वाली बात यहां पर ये आ रही है। आइए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको। सबसे पहले हमने क्या बोला, आर्किटेक्चर को क्लाइंट से मिलने जाना था, उसने कुली को काम दिया यानी एप्लीकेशन दिया और बोला कि सर उसको बोला कि सामान को प्लेटफॉर्म में ले जाओ। उसने सामान सर पर रखा और जब सामान चला गया यूजर ने कंप्यूटर से इंटरफेस करने का प्रयास करा पर मशीन इंटरफेस नहीं कर पाई। इस पर उसने उसके सारे के सारे कंपोनेंट्स को बाहर निकाला और उनकी सर्विसिंग करना स्टार्ट कर दिया। सर्विसिंग करने के बाद उन्हीं स्पेयर पार्ट्स को उन्होंने जोड़ दिया और जोड़ने से क्या बन गया, एक नेटवर्क बन गया हमारे पास। नेटवर्क की मदद से हम लोगों ने डेटा स्टोर करा, हम लोगों ने डेटा सेव करा। तो आइए एक बार रिकैप करते हैं। आर्किटेक्चर को क्लाइंट से मिलने जाना था, उसने कुली को बोला यानी काम दिया, उसने कुली को बोला कि सामान को प्लेटफॉर्म में लेकर चले जाओ, कुली ने सर पर सामान रखा और सामान को पहुंचा दिया, यूजर ने कंप्यूटर सिस्टम से इंटरफेस करने का प्रयास करा, बातचीत करने का प्रयास करा पर मशीन ने इंटरफेस करने से मना कर दिया। इस पर उसने सारे के सारे कंपोनेंट्स को बाहर निकाल दिया और सर्विसिंग करना स्टार्ट कर दिया और बाद में जोड़ दिया, जोड़ने से एक नेटवर्क बन गया और नेटवर्क की मदद से हमने क्या करा, डेटा को सेव करा, डेटा को स्टोर करा। तो ये बेटा हमारे पास सारी की सारी कहानी है रिगार्डिंग क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर में कहानी हमने सीखी जिसमें हमने हेडिंग्स को कवर अप करा। जाहिर सी बात है अंदर का पार्ट कवर करना है तो टेक्निकल बातें भी समझनी पड़ेंगी, तभी जाकर आप अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। पर जो बच्चे बिलीव करते हैं कि केवल हेडिंग याद करने से ही नंबर आ जाते हैं, जो स्टूडेंट्स बिलीव करते हैं कि हेडिंग लिखेंगे तो आईसीए नंबर दे देगा, जो स्टूडेंट्स बिलीव करते हैं कि अंदर के कंटेंट्स की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, उन बच्चों को ये सीरीज काफ़ी सपोर्ट करेगी।
तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे क्या महसूस करा, सबसे पहला बोला कि आर्किटेक्चर को क्लाइंट से मिलने जाना था, उसने कुली को काम दिया यानी एप्लीकेशन दिया और बोला कि सामान को यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लेटफॉर्म में लेके जाओ, उसने सामान को सर पर उठाया, सर्वर यानी सर पर उठाया, और जब सामान पहुंच गया तो यूजर ने कंप्यूटर सिस्टम से इंटरैक्ट यानी इंटरफेस करने का प्रयास करा, पर मशीन ने इंटरफेस नहीं करा, इस पर उसने सारे कंपोनेंट्स बाहर निकाल दिए, सर्विसिंग करना स्टार्ट करा और कंपोनेंट्स को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद एक नेटवर्क बन गया, नेटवर्क की मदद से हमने डेटा सेव कर दिया, डेटा स्टोर कर दिया। इसी के साथ सवाल समाप्त हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। किसी तरह की समस्या आती है, किसी प्रकार की अगर समस्या आती है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको टेक्निकल मदद भी दी जा सकती है, आपको टेक्निकल सपोर्ट भी दी जा सकती है अगर आपको रिक्वायर्ड है। अगर आप चाहते हैं कि राइट इन्फॉर्मेशन आपके राइट टाइम के पास पहुंचे तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि आपका भी भला हो और उनका भी भला हो सके। थैंक यू सो मच।